हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रौनक रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं एक क्रिस्पी, चीज़ी और सुपर टेस्टी वेजी टोस्ट, जो बनेगा ओटीजी ओवन में बिना किसी गैस स्टोव के। ये एक सिंपल और क्विक रेसिपी है जो आपके ब्रेकफास्ट, लंच या इवनिंग स्नैक के लिए परफेक्ट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फिलिप्स ओटीजी ओवन को या कोई भी ओवन है आप उसे प्री हीट करें, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट करें फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। ये स्टेप ज़रूरी है ताकि आपका टोस्ट परफेक्टली क्रिस्पी बने। सो आफ्टर प्री हीटिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ यू हैव टू टेक 2 ब्रेड स्लाइसेस और कुछ वेजीज ले लीजिए ऑफ योर ओन चॉइसेस लाइक टोमेटोज, कैप्सिकम, अनियन, कॉर्न्स, ऑल्सो पनीर इफ़ यू वॉन्ट। यू कैन ऐड एनीथिंग ऑफ योर ओन चॉइस। नाउ ब्रेड के दोनों साइड पर अच्छी तरह बटर लगाएं। बटर से ब्रेड क्रिस्पी बनेगा और उसका फ्लेवर इन्हेंस होगा, तो ये स्टेप भी आप ज़रूर करें। बटर के ऊपर नाउ यू हैव टू ऐड लिटिल बिट ऑफ केचप एंड एनी सॉस इफ़ यू लाइक। आप कोई भी सॉस इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे केचप ऐड कर दिया। देन यू हैव टू ऐड मेयोनीज। तो अगर आप इसे हेल्दी वर्जन में बनाना चाहते हैं आप ये स्टेप अवॉइड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ऐड चिली गार्लिक सॉस और एनी चिली सॉस इफ़ यू लाइक, एंड इट्स अप टू यू। आपको स्पाइसी पसंद है आप ऐड कर सकते हैं चिली सॉस, और अदरवाइज यू कैन अवॉइड। ये तीनों सॉस एक फ्लेवरफुल बेस बनाएगा, जो इट्स लाइक अ पिज़्ज़ा ब्रेड, जो पिज़्ज़ा ब्रेड होता है उस तरीका का टेस्ट आएगा इसमें। तो ये मैंने सब तीनों को ऐड कर दिया। नाउ यू हैव टू कट द पनीर क्यूब्स। इस तरीके से हमने कट कर लिया थोड़े से पनीर को, और ये बहुत अच्छे से मैंने मैरिनेट करके रखा था बिकॉज मैं कुछ रेसिपी बना रही थी। तो ये 2-3 स्लाइसेस ऑफ पनीर को मैंने इस तरीके से कट कर लिया। एंड नाउ अब अपने चॉप टोमेटोज, कैप्सिकम, अनियन और कॉर्न कर्नल्स को ब्रेड पर इवनली स्प्रेड करें। ये वेजीज सैंडविच को हेल्दी और टेस्टी बनाएंगे। वेजीज के ऊपर फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर ऐड करें, यानी कि जो काली मिर्च की पाउडर होती है। तो ये मैं बिल्कुल थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ ताकि ये टेस्टी और अच्छा बने। नाउ ऐड डाइस चीज़। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोज़रेला एंड चेडर चीज़ ऑफ डाइस चीज़ लिया है, एंड आप कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहे तो चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू ऐड चिली फ्लेक्स फॉर अ नाइस फ्लेवर टेस्ट, एंड इफ़ यू डोंट लाइक स्पाइसी फूड देन यू कैन अवॉइड दिस। नाउ ऐड ऑरिगैनो, स्प्रिंकल सम ऑरिगैनो ऑन टॉप एंड इट विल गिव अ वेरी नाइस टेस्टी, लाइक इट्स विल बी लाइक पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा ब्रेड बन रहा है। नाउ प्री हीटेड ओवन में आपको इसे डाल देना है। चीज़ को जेनरसली डालें ताकि आपको हर बाइट में क्रीमी टेक्सचर मिले। अब ब्रेड को प्री हीटेड ओटीजी ओवन में डालें और टोस्ट मोड पे सेलेक्ट करें। ओवन ऑटोमेटिकली 5 मिनट्स के लिए सेट हो जाता है। आप टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। तो ये देखिए, ये आप इस तरीके से 8 या 7 मिनट्स तक कर सकते हैं लास्ट। एंड मैंने यहाँ पे 4-5 मिनट्स तक इसे टोस्ट किया था। तो ये देखिए, 5 मिनट्स के बाद आपका परफेक्ट क्रिस्पी चीज़ी वेजी टोस्ट तैयार हो जाएगा, और ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है एंड टोस्ट बहुत अच्छे से होता है। तो ये ओवन में बहुत अच्छे से बन गया था। एंड ऑल्सो यू हैव टू वेयर अ ग्लव सो दैट आपका हाथ अच्छे से जले ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओवन को, आपको ट्रे जो लेना है उसे आपको ग्लव्स पहन के ही निकालना है। और ये देखिए, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा क्विक और इजी वेजी टोस्ट जो बनेगा ओटीजी ओवन में। आप इसे ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर सकते हैं या फिर लाइट स्नैक के रूप में, आप इसे शाम में इवनिंग स्नैक के तौर पे खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल रौनक्स रेसिपी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ मिलते रहें। एंड ये देखिए, कट किया था हमने तो ये बिल्कुल चीज़ी एंड टेस्टी बन गया था। बिल्कुल टेस्टी क्रिस्पी बना था पीछे से भी। और आप इसे इंजॉय करें। ये पिज़्ज़ा ब्रेड आप अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को लंच में एज अ लंच बॉक्स दे सकते हैं, अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।